नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को। यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल गैस MCX फ्यूचर्स का एक 4 घंटे का चार्ट। मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले कई ट्रेडिंग सत्रों से यहाँ देख सकते हैं कि 31 अगस्त से जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ 215 के लेवल पर एक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 20 अगस्त को 121 रुपए से एक अपवर्ड मूव स्टार्ट किया था, नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पहला रेजिस्टेंस देखा था 170 रुपए के आसपास। नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ आया नीचे 156 रुपए 60 पैसे तक। तो यहाँ से जो अपवर्ड मूव देखा गया, नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव रहा जारी। नेचुरल गैस फ्यूचर्स को अगला रेजिस्टेंस मिला 183 रुपए 50 पैसे पर, जहाँ अक्सर नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। वहां लगातार रेजिस्टेंस मिलने के बाद फाइनली नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 171 रुपए लेवल का छुआ 21 अगस्त को। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए जो लेवल है 171 रुपए, ये एक काफी अच्छा सपोर्टिव लेवल है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ से किस तरह काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, स्पेशली जब वो 174 रुपए के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त को काफी अच्छा मूव दिखाया एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। और वहीं आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त को नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली दिखाई। नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली लेवल्स को टच किया था, यानी 213 रुपए के स्तर का छुआ था। तो कई जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स के जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने जब इस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव को देखा, तो कई जो ट्रेडर्स हैं वो इस स्तर पर फंस गए, यानी 200 रुपए के आसपास जाकर कई लोग फंस गए। जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिला 216 रुपए के आसपास। और फाइनली आप देख सकते हैं कि 31 अगस्त को नेचुरल गैस ने एक डाउनवर्ड मूव की शुरुआत की, जहां से कि हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक काफी मंदी का दबाव देखा, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में लगातार सेलिंग हुई और नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने वापस इन्हीं लेवल्स पे जाकर सपोर्ट हुई जो कि कभी रेजिस्टेंस लेवल था नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए 184 रुपए का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है और नेचुरल गैस फ्यूचर्स या कोई भी कमोडिटी उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड कर लेता है, तो वही रेजिस्टेंस लेवल फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स या कोई भी कमोडिटी उस लेवल के ऊपर रहता है, तो आप देख सकते हैं जब नेचुरल गैस में एक गिरावट हुई, आप देख सकते हैं कि फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इसी लेवल पर, यानी 183 रुपए के आसपास काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिली यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, और फिर से एक बाउंस बैक हुआ। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लेवल है 188 रुपए 80 पैसे का, ये भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने लगातार इस रेजिस्टेंस को महसूस किया। आप देख सकते हैं कि जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में काफी मंदी का प्रेशर रहा। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 147 रुपए 50 पैसे के स्तर को छुआ था। इन लोस को छूने के बाद एक रिकवरी दिखाई नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने बंद होने से पहले। फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। 18 सितंबर को गैप डाउन से शुरुआत हुई, नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक लो बनाया 143 रुपए 50 पैसे का। तो ये लेवल नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए एक काफी मजबूत सपोर्ट के रूप में निकल कर सामने आया। जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली एक लो बनाया 142 रुपए 60 पैसे का, और यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली शुक्रवार को, जहां कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली 150 रुपए के आसपास बंद किया है। तो मेरा मानना है कि ये जो अपट्रेंड की शुरुआत हुई है, शुक्रवार से ये कंटिन्यू बनी रह सकती है नेचुरल गैस फ्यूचर्स में। तो यह मेरा मानना है कि इस अपवर्ड रैली में नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 164 रुपए 80 पैसे पर मिलेगा, जहाँ की 20 डेज मूविंग एवरेज का स्टिफ रेजिस्टेंस है। और उससे अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 167 रुपए 85 पैसे पर, जहाँ की 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर निकल कर आएगी। परंतु मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते में 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर लिया, जो कि अभी 173 रुपए 71 पैसे पर है, तो मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, यानी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर लिया जो कि अभी 171 रुपए के ऊपर है, तो फिर से हमें नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेजी अगर तो दिखेगी, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स का एक टारगेट होगा 193 रुपए, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस HMOCO क्लाउड के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की काफी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलेगी नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में,
नेचर गैस फ्यूचर्स को बार बार रेजिस्टेंस मिल सकती है इचिमोको क्लाउड के अपर एंड पर, जो कि 192.75 रुपए पर है, और यहाँ से नीचे एक डाउन रन मोड देखने को मिलेगा नेचर गैस फ्यूचर्स में। जो स्तर है वो 175 रुपए पर है, नेचर गैस फ्यूचर्स में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और फाइनली यदि नेचर गैस फ्यूचर्स से इचिमोको क्लाउड के ऊपर सस्टेन कर लिया 1-4 घंटे के टाइम फ्रेम में, मेरा मानना है कि हमें फिर से यही लेवल देखने को मिल सकते हैं, जहाँ की काफी एक टफ रेजिस्टेंस नेचर गैस फ्यूचर्स को फिर से देखने को मिलेगा 215 रुपए के आसपास। तो आने वाले हफ्ते में नेचर गैस फ्यूचर्स फिर से इन ऊंचाइयों को दिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कभी भी एक तेज अपवर्ड मूव में फंसने की कोशिश ना करें जब तक कि आप कन्विंस नहीं हो जाते कि नेचर गैस फ्यूचर्स अब यहाँ सस्टेन कर रहा है या यहाँ पर एक ठहराव देखने को मिल रहा है किसी गिरावट में या किसी तेजी में। तो पहले तो देखें कि क्या वो, यदि एक अपवर्ड मूव है तो क्या वहां पर एक कोशिश हो रही है किसी एक पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने की, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल कर आता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि बार बार यहाँ कोशिश हुई 188.50 रुपए के लेवल को तोड़ने की, और कई दिन हुई ये कोशिश। ये समझ लेना चाहिए था कि ये जो ये वो लेवल है जहाँ की नेचर गैस फ्यूचर्स अब एक डाउनवर्ड मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये जो लेवल थे ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ नेचर गैस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे कि एक नेगेटिव सिग्नल था। तो अभी मानना है कि नेचर गैस फ्यूचर्स यदि इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि अभी 164 रुपए इसी पैसे पर है, मेरा मानना है कि यदि नेचर गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते के पहले दो ट्रेडिंग सत्रों में 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर लेता है, यानी 168 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर देखना होगा क्या नेचर गैस फ्यूचर्स जो अगला रेजिस्टेंस है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 171 रुपए पर है, क्या उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको काफी वोलेटिलिटी नेचर गैस फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ मेरा मानना है कि जो अप ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर यदि नेचर गैस फ्यूचर्स सस्टेन कर लेता है आने वाले हफ्ते में पहले 3 ट्रेडिंग सत्रों तक, मेरा मानना है कि नेचर गैस फ्यूचर्स में हमें एक तेज अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा, जहाँ की नेचर गैस फ्यूचर्स फिर से 215 के स्तर को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।